नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीव गोस्वामी और आप देख रहे हैं हमारा इंडियन न्यूज स्पोर्ट्स का डिजिटल चैनल। WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल समझने के बाद अब यहां पर समझना जरूरी है कि वर्ल्ड कप यानी कि वर्ल्ड कप सुपर लीग पॉइंट्स टेबल क्या है। पूरा जो ये है, ये जो वर्ल्ड कप सुपर लीग पॉइंट्स टेबल है, ये ODI के तहत आती है और ICC जो 2023 में वर्ल्ड कप कराने वाला है उसके लिए ये पॉइंट्स टेबल रखी गई है। अब इस पॉइंट्स टेबल में क्या होगा, इस पॉइंट्स टेबल में ये है कि भारत को एक लंबी छलांग लगाने को मिली है क्योंकि भारत इस टेबल में 9वें पायदान पर था और वो 5वें नंबर पर आ गया है। वो इसलिए क्योंकि उसने पहले ODI में श्रीलंका को मात दिया और श्रीलंका को मात देने के साथ ही अब उसने 5वें नंबर पर अपनी जो पोजीशन है उसे पक्का कर लिया है, पुख्ता कर लिया है। लेकिन अभी भी इस वर्ल्ड कप सुपर लीग पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर इंग्लैंड की टीम यानी कि इंग्लिश टीम बनी हुई है और इंग्लिश टीम इसलिए बनी हुई है क्योंकि लगातार उसके अच्छे प्रदर्शन की वजह से, लगातार ODI में एक के बाद एक जीत की वजह से इंग्लिश टीम ने यहां पर अपनी पहले स्थान पर जो जगह है वो पूरी तरह से फर्म कर लिया। लेकिन भारत की बात करें, जिस तरह से भारतीय टीम इस वक्त खेल रही है शिखर धवन की कप्तानी में, भारतीय टीम भी बहुत जल्द इस पहले पायदान पर आ जाएगी। तो बेसिकली होगा क्या, ये जो ICC का जो पूरा टूर्नामेंट है 2023 का जो वर्ल्ड कप है, इसके लिए यहाँ पर 8 टीमें क्वालिफाई करेंगी, 7 टीमें भारत के साथ क्वालिफाई करेंगी। भारत पहले से क्वालिफाई कर चुका है क्योंकि भारत यहाँ पर मेज़बानी करेगा, यानी कि होस्टिंग नेशन जो होगा यहाँ पर वो भारत होगा। तो भारत को यहाँ पर पहले से ही क्वालिफाई भारत यहाँ पर पहले से ही क्वालिफाई कर चुका है। लेकिन भारत के साथ यहाँ पर क्वालिफाई करने वाली जो दो टीम है उन्हें सेमीफाइनल यहां पर खेलना पड़ेगा, लेकिन भारत को यहां पर क्वार्टर फाइनल खेलने की कोई भी जरूरत नहीं है। साथ ही साथ इस लीग के तहत यहां पर 8 मैच खेले जाएंगे, यानी कि 4 होम 4 अवे और फिर उसके बाद जो सीरीज है, एक सीरीज में 3 मैच खेले जाएंगे। एक मैच जीतने के बाद आपको 10 अंक मिलेंगे, लेकिन हारने पर आपको कोई भी अंक यहां पर नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से इस लीग के जो पॉइंट्स टेबल है उसमें नंबर्स डिसाइड होंगे, कौन पहले पायदान पर होगा, कौन दूसरे पायदान पर होगा और कौन उस 8वें पायदान तक आते जाते यहां पर क्वालिफाई करेगा वर्ल्ड कप 2023 के लिए, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल भारत 5वें नंबर पर इस पॉइंट्स टेबल में बना हुआ है। तो आप क्या सोचते हैं कि भारत कितनी जल्दी इस लीग में, इस टेबल में ऊपर बढ़ेगा, यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे इस इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स के डिजिटल चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।